नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं टेकीगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपका इंस्टाग्राम का रील्स फीचर आया है उसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो है मैं इसका एक बग भी बताऊँगा जो कि आपको जो है परेशान कर सकता है। आई होप जो है ये बग आपके उसमें नहीं हो, मगर जो किसी किसी के उसमें जो है हो सकता है, मेरे उसमें है। तो मैं जो है इसके बारे में आपको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जो है आपको आपके जो इंस्टाग्राम है उसको जो है अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर में जाकर, और जो है इसे जो है सिंपली ओपन कर लेना है। मैंने अपडेट किया हुआ है तो मैं इसे सिंपली ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों इस तरीके का जो है इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप जो है यहाँ पर इसे जो है सबसे पहले ओपन करते हैं। नीचे की तरफ दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपको आइकन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक सर्च का बटन आपको देखने को मिलता है, इसमें जो है सिंपली आपको जो है टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको वीडियोस देखने को मिल जा रही है, ठीक है, रील्स की। ठीक है, यहाँ पर जो आप किसी भी वीडियो में जो है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये बेसिकली जो है टिकटॉक को जो है बीट करने के लिए बनाई गई है। टिकटॉक को जो जैसे बैन हुआ तो उसका फ़ायदा उठा के जो है इंस्टाग्राम ने जो है इस फीचर को जो है इंडिया में लॉन्च कर दिया, जिससे जो है उनके अच्छे खासे जो व्यूअर यहाँ पर बन जाए। दोस्तों यहाँ पे जो है जहाँ पे आपको जो है रील्स देखने को मिल जा रहे हैं, यानी कि जहाँ भी रील्स आपको लिखा हुआ मिल जाता है वो जो है आपकी वीडियोस है, बाकी जो है सिंपली जो है सारी की सारी फोटोज़ हैं। ठीक है, और जो है आपको केवल जो है यहाँ पर जहाँ पे रील्स देखना है दिख रहा है आपको वहाँ पर जो है क्लिक करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ वीडियोज़ भी हैं तो यहाँ पर जो है ये इन्होंने वीडियो डाली हुई है। ठीक है, और जो आप देखेंगे रील्स वाली वीडियो में जो मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर जो है आपको हार्ट का बटन मिल जाता है आपका टिकटॉक की तरह से, और जो है कमेंट का, और जो है यहाँ पर शेयर का बटन भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर आपको थ्री डॉट देखने को मिलते हैं। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसे जो है हाइड कर सकते हैं, अगर कोई आपको गलत वीडियो लगती है तो वहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं, कॉपी लिंक कर सकते हैं, और जो है सेव अपनी गैलरी में इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपली आप देखेंगे ऊपर जो है आपको एक यहाँ पर आपको कैमरे का बटन देखने को मिल जाता है, इसमें आप जैसे टैप करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो मैं आप बताता हूँ आपको इसके बग के बारे में, दोस्तों यहाँ पर जो है मुझे तीन ही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलने चाहिए, यहाँ पर जो है ऊपर साउंड का बटन भी जो है मुझे मिलना चाहिए था, मगर जो है साउंड का बटन मेरे उसमें नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूँगा इंस्टाग्राम का जो इसमें जो है रील में जो है एक बग है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, आप जो है आपकी वीडियो की जो है स्पीड जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं एक में रहने देता हूँ, बाकी जो है आपको यहाँ पर से जो आप देखने को मिलेगा, आपको जो इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, इफेक्ट आप देखेंगे यहाँ पर जो है अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो इफेक्ट आपको लगाना है आपको जिस तरीके से टिकटॉक में मिलता था उसी तरीके का आपको जो है यहाँ पर मिल जाता था। ठीक है, और जो है आप देखेंगे यहाँ पर हर चीज़, यानी कि जो हर इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप जो है जैसे कि आप देखेंगे इसको ऊपर को स्लाइड अप करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो वीडियोज़ है ना जो है उन्हें ये दिखा देगा, अगर आपकी गैलरी में कोई वीडियो है तो। ठीक है, और अब यहाँ बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये जो है रिकॉर्ड होने लग जाएगा। आपकी जानकारी के लिए जो है मैं आपको बता रहा था, नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे जो एक प्लस का आइकन देखने को मिल जाता है, ये भी सेम गैलरी का ऑप्शन है, चाहे आप स्लाइड अप कर लो या फिर जो है आप इसे बैक कर लो। ठीक है, इसमें रील्स में आपको नीचे रील्स वो मिल जाता है, आप जो है यहाँ से फ्रंट कैमरा कर सकते हैं, नीचे आपको बटन देखने को मिल जाता है, ऊपर जो है प्लस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों बग इसमें जो है एक ही है। ठीक है, और नीचे सबसे नीचे दोस्तों यहाँ पर जो है आप अपना टाइमर सेट कर सकते हैं, अगर आपकी जो वीडियो है 15 सेकंड से कम की है तो आप जो है यहाँ पर इसे जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर जो है आपका साउंड का जो है यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है मेरे उसमें, आपके केस में मिल सकता है। ठीक है, और बहुतों मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, बहुत से लोगों को जो है ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मेरे उसमें नहीं मिल रहा। ठीक है, ये बग है, आई होप जो है ये जल्दी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जो है नया नया आया है। ठीक है, तो ये अभी बग्स में शुरू शुरू में हो सकते हैं। ठीक है, तभी ये मेरे उसमें नहीं आ रहा है। दोस्तों सिंपली जो है आपको इसमें लेता हूँ। ठीक है, और जो है यहाँ पर आपको एक तीर का निशान मिलेगा, और जो है अलाइनमेंट जो है आपको सेट करना है वो आप जो है कर सकते हैं इधर उधर जो भी करना है। ठीक है, इसके बाद जो आगे को मैं इसे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर जो है आपको स्टिकर आप इसमें लगा सकते हैं, बाकी यहाँ पर अगर कुछ ड्रॉ करना है तो आप जो है उसे भी ड्रॉ भी कर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पर कोई कैप्शन लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है आपको जो आप कैप्शन लिखेंगे उसको जो है जैसा अलाइन करना है उस तरीके जो है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे डन करता हूँ और जो है आगे और क्लिक करता हूँ। आगे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो किस इस तरीके का जो इंटरफेस आएगा, जिस तरीके का जो है आपको टिकटॉक में आता है, यहाँ पर जो है आप इसका कैप्शन लिख सकते हैं और साथ ही जो है अपने हैशटैग भी जो है डाल सकते हैं, और जो है आप जो है यहाँ पर स्टोरीज में जो है शेयर कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर जो वीडियो के साइन में जो है छोटा सा ऑप्शन देखने को मिलता है कवर। ठीक है, आप इसमें जो है कवर फोटो जो है डाल सकते हैं, जो कि इसमें जो है आपको देखने को मिल जाता है।
ठीक है, या फिर जो आप गैलरी से भी जो है इसे डाल सकते हैं। इसके बाद शेयर करेंगे तो ये शेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो है आप अपने इसमें जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, इसमें कभी कभी क्या होता है ना, आपकी जो है रिकॉर्डिंग में नहीं होती, यानी कि अभी इसमें काफ़ी बग हैं। अगर आपके फ़ोन में भी ऐसे बग आपको देखने को मिले हैं तो मुझे जो है आप नीचे कमेंट करके जो बता सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।